गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी सेकंड का फोर्थ चैप्टर है हमारा संज्ञा। क्या पढ़ेंगे आज हम? संज्ञा। हमारा फोर्थ चैप्टर क्या है? संज्ञा। संसार में सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इस संसार में जो भी व्यक्ति है उसका कोई ना कोई नाम जरूर है, बिना नाम के कोई भी चीज नहीं है। चाहे आपके पापा का नाम हो, आपका हो, किसी जानवर का नाम हो, बगीचे का नाम हो, सबका, नाना नानी का नाम हो, बुक का नाम हो, सबका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। अब देखिए, आपको ये सामने एक चित्र दे रखा है। उपरोक्त चित्र में, इस जो चित्र में बहुत सी चीजें हैं, जैसे गलीचा, कुत्ता, किताबें, हवाई जहाज आदि। इन सभी चीजों के अलग अलग नाम हैं। सबके क्या है? अलग अलग नाम है। इस चित्र में जो भी दे रखा है वो क्या है? अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इनका नाम क्या है? संज्ञा। इन्हें क्या कहते हैं हम? संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखिए। ये परिभाषा है, देखो, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, ताजमहल, महात्मा गांधी आदि। ठीक है, आगे देखिए, पेज नंबर 21 पे है व्यक्तियों के नाम। यहाँ पे जो चित्र है वो सब क्या है? व्यक्तियों के नामों के बारे में, कि व्यक्तियों के नाम भी क्या आते हैं? संज्ञा में। फिर है हमारा दूसरा है वस्तुओं के नाम। वस्तु कोई सी भी वस्तु हो सकती है, जैसे घड़ी भी हो सकती है, कमल भी, किताब भी, पुस्तक, टीवी, ये क्या है? सब वस्तु। स्थानों के नाम, जैसे स्कूल, विद्यालय, कुतुब मीनार, चिड़ियाघर, बगीचा, ये क्या है? सब स्थान है। प्राणियों के नाम, प्राणी कोई से भी हो सकते हैं, तोता, मोर, तितली, मधुमक्खी आदि। फिर है भावों के नाम। लास्ट क्या है हमारा? भावों के नाम। तो भावों के नाम जैसे कि बचपन, सुंदर, उदास, मित्रता। जैसे कोई बच्चा उदास है तो उसमें क्या है? उदास क्या है? उसके भाव नजर आ रहे हैं। कोई प्रसन्न है तो खुश है, तो उसमें खुशी के भाव नजर आ रहे हैं। तो आओ दोहराए में देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये अभ्यास है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी और भाव का जो बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द बताइए। वह, गीता, उठना या यह, तो क्या आएगा इसमें? गीता। संज्ञा शब्द चुनिए। मैं, खाना, दिल्ली, पढ़ना, दिल्ली, उचित संज्ञा शब्द चुनिए। तुम, पुस्तक, लिखना, रोना, उचित संज्ञा शब्द। अब दूसरा है हमारा खाली स्थानों में संज्ञा शब्द भरिए। रीता ने आज नीला पहना है कुर्ता। बच्चे में खेल रहे हैं उद्यान। मेरी डैश बॉक्स में रखी है पेंसिल। तालाब में के फूल खिले हैं कमल। घास चर रही है गाय। अब सामने एक मटका दे रखा है, उस कुछ संज्ञा शब्द है, उन्हें छाट कर उन्हें उनके स्थान पर रखना है। जैसे वस्तु, पेन, खिलौना, पुस्तक। व्यक्ति, अध्यापक, डॉक्टर, महात्मा गांधी। स्थान, कोटा,
दिल्ली अस्पताल, प्राणी तोता मोर घोड़ा, खुशी हंसी उदासी। आगे के प्रश्नों को हम आपको भेज देंगे, उनके आंसर। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।